देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण केंद्र और राज्य सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है और पीएम के आह्वान पर लोग कोरोना से लड़ने के लिए पैसे भी दान कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परेशानियों को छोड़ देश सेवा में लाखों रुपए दान कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ भदोही में देखने को मिला, जहां किसान के दो बेटों ने अपने पिता की 13वीं के लिए रखे 1,00,000 रुपए को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया है। दरअसल हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद ब्रह्मा भोज यानी 13वीं संस्कार किया जाता है, लेकिन इन दिनों देश कोरोना वायरस की जद में है और हर कोई कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। इसी के चलते भदोही के कठौता गांव निवासी रमेश चंद्र मिश्र ने अपने पिता की 13वीं संस्कार नहीं करने का निर्णय लिया और 13वीं संस्कार के कार्यक्रम को स्थगित करते हुए उसमें लगने वाले 1,00,000 रुपए दान का फैसला किया। रमेश चंद्र मिश्र ने 1,00,000 रुपए का चेक जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को सौंपा और गरीबों की मदद करने की बात कही। हमारे पिताजी की मृत्यु 30 मार्च को हुई थी और हमारे पिताजी वृद्ध हो गए थे, 90 साल हो गया था उनका। 30 जून 2020 में 90 पूरा हो जाते हैं और हम लोगों ने परिवार के साथ बैठ के जब ये हो गया और आज की देश की विषम परिस्थिति में ये हुआ कि कैसे कुछ किया जाए, तो पांचों भाइयों ने बैठ के एक राय से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग 60 में सीमित परिवार के अलावा 4-5 ब्राह्मण खिला देंगे और जो भी इसका पैसा हम लोगों के पास बचेगा उसको हम लोग मुख्यमंत्री सहायता कोष में दे देंगे, इससे कुछ लोगों का भला हो जाए या सरकार का सहयोग हो जाए, हम लोगों को भी आत्मसंतुष्टि हो जाए मृतक की आत्मा की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए हमने ये कदम उठाया है। जन्मदिन मना रहे हैं, शादी सालगिरह मना रहे हैं, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं, शादी की सालगिरह मना रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, मैं तो इतना तक कहूँगा कि मैंने सुना है लोग अपनी शादी तय हुई शादी भी पोस्टपोन कर दे रहे हैं, आगे नवंबर दिसंबर में लगन भी कम है और इकट्ठे उस समय शादी ब्याह का बोझ भी बढ़ जाएगा, सीमित दायरे में शादी करके जो भी बचत हो वो अगर देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने किसान के इस कदम को जमकर सराहा है। इस मुश्किल वक्त में हर देशवासी को कोरोना के खिलाफ कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए ताकि लोगों से मिली सहायता से सरकार गरीबों की मदद कर सके। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।